हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर हर कोई हमें पसंद करे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, युद्ध नहीं होंगे, राजनीतिक उथल पुथल नहीं होगी और यहाँ तक कि तलाक भी कम होंगे। लेकिन कभी कभी हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा ऐसे लोग होते ही हैं जो हमें नापसंद करते हैं। और देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि हर कोई हमें पसंद ही करे। अगर रिजेक्शन या पसंद ना करना या फिर हमसे नफरत करने वाले लोग नहीं होंगे तो हमें दोस्ती और प्यार का असली महत्व समझ में नहीं आ पाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं 10 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि कोई गुप्त रूप से या सीक्रेटली हमें नापसंद करता है। वे आपको समझने की कोशिश नहीं करते। जब हमें महसूस होता है कि कोई व्यक्ति हमारी बात को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है तो हमें बहुत खराब लगता है। जब कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता तो वह कोशिश करेंगे कि हमारे विचारों को और मूल्यों को समर्थन प्रदान ना करें। इसके बजाय वे महसूस कराएंगे कि जैसे आप वहां पर हो ही नहीं, चुपचाप आपके विचारों को खारिज कर देंगे या फिर ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि आप अदृश्य हों और आपकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देंगे। वे आपसे कम से कम बात करेंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ 24 घंटे बात कर सकते हैं? यह जरूरी नहीं है कि आप कोई महत्वपूर्ण बात ही कर रहे हों। आप लंबे समय तक किसी भी बेसिर पैर की बात पर भी गप्पे मार सकते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता तब इसका ऑपोजिट होता है। वे पूरी कोशिश करते हैं कि आपसे कम से कम बात करें। जैसे आप अगर उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा गया तो वह केवल एक वर्ड आंसर ही देंगे, बढ़िया या ओके। सिंपल शब्दों में यह एक इशारा है कि वे आपसे ज्यादा लंबी और गहरी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बात बात पर आपसे चिढ़ जाते हैं। क्या लगभग रोजाना ही आपकी एक दूसरे से किसी न किसी बात पर बहस हो जाती है या फिर किसी बात पर विवाद हो जाता है? जब व्यक्ति आपको नापसंद करता है तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी तरह आपकी लाइफ को और मुश्किल बनाया जा सके। कभी कभी तो इतना तक हो जाता है कि व्यक्ति अच्छे मूड में होता है लेकिन आपसे बात करने के बाद उसका मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। कभी वे नाराज हो जाते हैं तो कभी चिड़चिड़ाने लगते हैं। बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम ज्यादातर उनके नजदीक जाकर और आंख मिलाकर बात करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता तो एक तो वह आंख नहीं मिलाएगा और दूसरा वह हाथ फोल्ड करके और दूर रहकर ही बात करेगा। यह वह ज्यादातर अपने आप को आपसे बचाने के लिए करता है। यह एक तरह की इनविजिबल या अदृश्य दीवार है जो उनको आपसे बचाती है। यह एक कॉमन रक्षा तंत्र है जिसका मानव अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे आप पर विश्वास नहीं करते। जब आपको कोई सीक्रेटली नापसंद करता है तो वह आप पर विश्वास नहीं कर पाते, चाहे आप कितने भी अच्छे हों। इसका मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति बुरा है, बस इतना है कि वह आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। यदि आप दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं फिर भी उनकी पर्सनल डिटेल्स या पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते तो संभावना है कि वे आपसे पर्सनल लेवल पर दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं है। झूठ मूठ का दिखावा करना। जब कोई ऊपर से आपसे नाराज होता है तो वह आप पर जोर से गुस्सा करता है या जो होता है वह आपके मुंह पर सीधा बता देता है। लेकिन जब कोई आपको सीक्रेटली डिसलाइक या नापसंद करता है तो वह आपकी किसी भी बात के बीच में नहीं बोलेगा। झूठ मूठ का मुस्कुराना या फिर सर हिला देना ताकि आपसे वन ऑन वन या फेस टू फेस कोई बात ना करनी पड़े। वह हर कोशिश करते हैं कि आपसे दूर रहें और आपसे किसी भी डिस्कशन में या बातचीत में ना पड़े। ऊपर से वे कुछ भी दिखाएं लेकिन सच्चाई यह है कि वे दिल से आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। वे जितना हो सके आपको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। क्या वे आपके आसपास काम करते हैं या फिर वे आपके आसपास रहते हैं? इसके बावजूद भी वो आपसे कोई भी बात करने के लिए टेक्स्ट मैसेज, फोन या फिर ईमेल का सहारा लेते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको गुप्त रूप से नापसंद करता है तो वह हर कोशिश करेगा कि आपसे कम से कम कॉन्टैक्ट हो। वे आपका स्केड्यूल पता करके कोशिश करेंगे कि आपके आसपास बिल्कुल ना हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप दोनों एक ही टीम में हैं और टीम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं तो वह व्यक्ति इनकार कर देगा ताकि आपको अवॉइड किया जा सके। वे आपकी बात मन से नहीं सुनते। जब हम किसी की परवाह करते हैं तो हम आमतौर पर पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी बात ध्यान से सुने। लेकिन यदि कोई आपकी बात सुनते सुनते कहीं और गुम हो जाता है और उसका ध्यान आपकी कही बात पर नहीं रहता तो यह निश्चित है कि उसको आपसे बात करने या आपकी बात सुनने में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा यदि आपके ईमेल का या फिर आपकी कही बात का ठीक ठीक जवाब ना देना और आधा अधूरा सा जवाब देना बेमन से, यह भी नापसंद करने का एक संकेत है।
वे अपनी पार्टी या सोशल गैदरिंग में आपको आमंत्रित नहीं करेंगे। जब आपको कोई पसंद करता ही नहीं तो उसकी बर्थडे पार्टी में या सोशल गैदरिंग में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी बुरा तो लगता ही है जब आप देखते हैं कि आपके सभी मित्र, परिवारजन और सहकर्मियों को आमंत्रित किया गया है, बस आपको छोड़ दिया गया है। तो यह धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि वे आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। आपका दिल कहता है कि कुछ सही नहीं है। कभी कभी हमें अंदर से महसूस होने लगता है कि वह व्यक्ति हमें पसंद नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरह वो हमें पसंद करे। लेकिन जब हमें धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह व्यक्ति हमें पसंद नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे में अपना समय उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश करने में बर्बाद करना ठीक नहीं है। इसके बजाय उन लोगों के साथ समय बिताएं जो लोग आपको वाकई में पसंद करते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपका भला चाहते हैं। बाकी के लोगों पर अपना समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो सहायक और जानकारी पूर्ण लगा है। तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, शायद किसी की मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।